तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये जो वीडियो है, ये जो मेरा सुजुकी जिक्सर एसएफ 2016 मॉडल है, हालांकि ये 2015 मॉडल है, 16 मॉडल पे रियर में डिश आ गया था। तो मैंने एक्चुअली ये लिया था 2016 में जनवरी पे, नियरली यू कैन से कि 2015 का दिसंबर का एंड महीने पे लिया था, एकदम मतलब एंड पे। तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2016 का जनवरी पे। तो मेरे पास ऑलमोस्ट नियरली 7.5 साल हो गया, अभी है जुलाई महीने चल रहा है 23 का, सो मोर देन 7.5 ईयर्स। और मेरा रनिंग अभी तक हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हाँ थर्टी फाइव फोर टू एट। जो है अभी तक मेरे गाड़ी पे दो चीज़, मतलब मेजर जो दो जो चीज़ है चेंज हुआ, एक है चेन स्प्रॉकेट एंड अनदर थिंग इज़ लॉक सेट। अदरवाइज मतलब चेन स्प्रॉकेट तो है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, मतलब इतना किलोमीटर पे चेंज होता है, हालांकि मेरा गाड़ी पे ऑलमोस्ट नियरली 30,000 के बाद चेंज हुआ था। तो दिस इज़ द थिंग, एंड टायर भी ऑल्सो चेंज हुआ है, मेरा जो है एफिलो का टायर है अभी। सो क्योंकि ये सॉफ्ट कंपाउंड है तो 35 में ही ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हो कि यह चला गया टायर का लाइफ। मैंने चेंज किया था दोनों टायर, स्टॉक जो टायर आता है MRF का टायर आता है, पीछे में जो है रेडियल टायर होता है एंड सामने में लाइन ऑन, बट मैंने जो चेंज करके दोनों ही रेडियल टायर लगाया। तो दिस इज़ द थिंग, एंड अभी जो है मैंने जो गाड़ी मतलब छोड़ने के मतलब यू कैन से कि मतलब सेल करने का ख्याल आया मेरे दिमाग पे, तो इसके लिए यही आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो होगा, कि और नहीं तो इसके बाद एक जब सेल मतलब सेल करने का दिन पे एक वीडियो मैं दूंगा। सो या दिस इज़ द थिंग, एंड जब मैंने ये गाड़ी उस टाइम पे लिया था 2016 पे, उस टाइम ऑन रोड पड़ा था हुगली कोलकाता, मतलब कोलकाता हुगली पे 1,02,000, एंड इसका उस टाइम पे दोनों अलग ही कलर आता था, एक ब्लैक एंड एक नॉर्मल वाइट, उसका 1,500 रुपया कम आता था इससे। और जो नॉर्मल जिक्सर होता था उस टाइम पे प्राइस आता था नियरली 92 या 93 के आसपास। सो मतलब ये जो फेयरिंग है ये मुझको बहुत अच्छा लगता था, तो इसके लिए इसके ऊपर गया था। सो सुजुकी का इंजन में कोई भी कुछ मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है जो इंजन का इधर हेड ऑयल का जो सील होता है वो कट गया था, तो उसके लिए एक बार वो खुल के एक बार ऑयल सील कराया था, मतलब जो सील होता है। और एक बार इंजन टैपेट पे आवाज़ आता था आया था, लेकिन वो एडजस्टर से ही चेंज हो जाता था, लेकिन जो शोरूम पे बोला जो एक बार खुल के जो टाइमिंग चेन एडजस्ट करना है, तो उसके लिए दो बार खुला है इंजन, बट मतलब खुला मतलब ऊपर से खुला है, नहीं मतलब ये नहीं कि एकदम इंजन खुल के काम हुआ। और एक बार जो है चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ और टायर बस। और एक बार मेरा दिक्कत आया था लॉक सेट पे, हालांकि उस टाइम पे मेरा गाड़ी वारंटी पे था, उस टाइम पे 2 साल का वारंटी देता था, बट मैंने जो फ्री सर्विस टाइम टू टाइम कराया, लेकिन जो पिट सर्विस है वो मैंने टाइम टू टाइम नहीं कराया था, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब कॉलेज जाता था तो उतना गाड़ी मेरा चलता नहीं था, नियरली साल में 1,000 से 1,500 चलता था किलोमीटर। सो उसके लिए उस टाइम पे नहीं किया था, बट उसके लिए ही उस टाइम पे मतलब ये जो है, नहीं तो वारंटी पे ही चेंज हो जाता था। बट हाँ, एक साल पहले मैंने ये चेंज किया, एक साथ चेंज किया था, ये जो लॉक सेट है, चेन स्प्रॉकेट है और दोनों चक्का का बियरिंग, ऐसे करके टोटल मिला के 5,000 के आसपास बिल आया था, उसका भी वीडियो है मैंने किया था। तो उसके बाद ये जिक्सर के ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि जो है RC मैं मतलब जब हाईवे या दिल्ली रोड पे आता था तो RC पे लेके, और ये जिक्सर लेके कलकत्ता या कोई काम पे जाना होगा तो मतलब मैं जिक्सर लेके जाता था। बट हाँ, कुछ रीज़न की वजह से जो मेरा RC है दो महीने पहले मैंने सेल कर दिया, तो उसके बाद जो है जिक्सर में चला रहा था तो ठीक ठाक था, मतलब जब RC था तो ठीक ठाक था, लेकिन जब मैंने RC सेल करके सिर्फ जिक्सर चला रहा था तो मतलब जो है थोड़ा सा पावर का कमी महसूस हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि चलो जिक्सर को अभी छोड़ ही देता है। और आई थिंक या मतलब 390 तो नहीं, बट हाँ 250-200 इसके आसपास कोई भी एक गाड़ी उठा लूँगा, प्रियोन पे मतलब ख्याल है
नया लेने का कोई अभी मन नहीं है मेरे को। सो दिस इज़ द थिंग एंड यही है मतलब लॉन्ग टर्म रिव्यू फॉर जिक्सर यू कैन से। एंड सुजुकी का एक चीज़ है, मतलब जब मैंने ये जिक्सर लिया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट सर्विस सेंटर पे जिक्सर का काम होता था, जिक्सर का पार्ट्स उस टाइम पे अवेलेबल था। बट अभी के लिए मेरा तो यही ख्याल है कि मतलब सुजुकी जो है वो एक्सेस बागमैन एंड एक्सेस बागमैन और अवनीस करके कुछ स्कूटी है, मतलब स्कूटी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है रैदर देन जिक्सर या जो विश्रम है बाइक पे। सो दिस इज़ द थिंग। इसके लिए पार्ट्स का जो है अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इशू आता है एंड एक एक चीज़ भी मुझको अगर मतलब कुछ चीज़ चाहिए तो मुझको सुजुकी का सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, लोकल में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक है सुजुकी के लिए, मेनली जो है बाइक के लिए। एक्सेस मतलब स्कूटी जो है फिर भी चल जाता है, और अभी तो मैं मतलब यही बोलूँगा जो सुजुकी है वो स्कूटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है रैदर देन बाइक। क्यों मुझको मालूम नहीं, क्योंकि ये जो इंजन है मतलब लाजवाब इंजन है, मैं यही बोलूँगा। R15 के बाद जो है 4V एंड ये जिक्सर, ये तीनों इंजन जो है मुझको पर्सनली अच्छा लगता है 150cc सेगमेंट में। सो दिस इज़ द थिंग। ये भी एक रीज़न है मतलब जो सुजुकी का पार्ट्स का अवेलेबिलिटी। बट हाँ एक चीज़, अगर मतलब एक चीज़ अब एक पार्ट्स अब चेंज कर लोगे तो उसका क्वालिटी अच्छा है, प्राइस ज़्यादा है बजाज या हीरो के कंपेयर में, बट हाँ क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब एक बार आप चेंज कर दोगे तो बहुत दिन चलेगा, ये चीज़ है। सो ये वीडियो मैं यही एंड करने वाला हूँ। तो यही है मेरा 7.5 साल का रिव्यू, 35,000 प्लस किलोमीटर मैंने चला लिया, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत नहीं है उतना, जो है नॉर्मल सा कंज्यूमेबल थिंग्स ही चेंज हुआ है, क्लच केबल, एक्सेलेटर केबल, चेन स्प्रॉकेट एंड लाइक दैट, और कुछ नहीं। और एक बार ये जो चीज़ है ये भी मैंने चेंज करके नया लगाया, क्योंकि जो पुराना वाला था यहाँ से पानी निकल के टैंक में जा रहा था, तो इसके लिए या अभी ऑलमोस्ट मैं सेल करने वाला हूँ, एक दो दिन में आई थिंक सेल हो जाएगा। जब सेल जिस दिन करूँगा उस दिन एक वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। तो या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।